लोकसभा में महिला बिल आरक्षण पर बहस के दौरान अमित शाह का एक बयान सुर्खियों में है। शाह ने कहा कि कल को परिसीमन में अगर वायनाड सीट आरक्षित हो जाएगी तो कांग्रेस इसका दोष भी मुझे ही देंगे। हैदराबाद के आरक्षित होने पर ओवैसी साहेब भी राजनीतिकरण का आरोप लगाएंगे। केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तो तेलंगाना के हैदराबाद सीट से AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी सांसद है। परिसीमन लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमा निर्धारण की प्रक्रिया को कहते हैं। 2008 में आखिरी बार भारत में परिसीमन किया गया था। परिसीमन की वजह से उस वक्त सोमनाथ चैटर्जी, शिवराज पाटिल, धर्मेंद्र और रामकृपाल यादव जैसे नेताओं को अपनी पारंपरिक सीट गंवानी पड़ी थी। परिसीमन अगर हुआ तो इस बार भी कई बड़े नेताओं की सीट इसकी जड़ में आ सकती है। आइए स्टोरी में विस्तार से समझते हैं कि आखिर परिसीमन किस आधार पर होता है और कौन सी सीट रिजर्व की जाएगी, इसे कैसे तय किया जाता है। भारत में संविधान के अनुच्छेद 82 में परिसीमन के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके मुताबिक दशकीय जनगणना के बाद आवश्यकता अनुसार चुनाव आयोग संसदीय और विधानसभा सीटों का परिसीमन कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 81 में भी परिसीमन का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है। इसमें जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व तय करने की बात कही गई है। आजादी के बाद भारत में अब तक 4 बार सीटों का परिसीमन किया गया है। परिसीमन कानून 2002 में इसको लेकर विस्तार से बताया गया। परिसीमन होने के बाद आयोग उस रिपोर्ट को विधानसभा और लोकसभा के समक्ष रखती है। इसी कानून में भारत में 2026 से पहले परिसीमन पर रोक लगाई गई है। परिसीमन आयोग बनने के बाद सबसे पहले यह तय होगा कि लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें बढ़ेंगी या नहीं। परिसीमन कानून 2002 के मुताबिक परिसीमन की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या पूर्व जज कर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयोग या उनकी तरफ से नामित चुनाव आयोग इसके सदस्य होते हैं। परिसीमन आयोग विस्तृत अध्ययन के बाद 2 पहलुओं पर रिपोर्ट देगा। लोकसभा की सीटें कितनी होगी, राज्यवार सीटों की संख्या क्या होगी। अभी देश की आबादी 140 करोड़ है। 10 लाख वाला फॉर्मूला लागू हुआ तो लोकसभा में कुल 1400 सीटें हो जाएगी। हालांकि आबादी के हिसाब से सीट तय करने के फॉर्मूले का विरोध हो रहा है। परिसीमन में अगर सीटों में बढ़ोतरी होती है तो नए सिरे से दलित और आदिवासियों के लिए भी सीटें रिजर्व की जाएगी। मान लीजिए कि परिसीमन आयोग लोकसभा में 1000 सीट बढ़ाने का प्रस्ताव करता है तो दलित और आदिवासियों के लिए करीब 240 सीटें रिजर्व की जाएगी। आदिवासियों के लिए सीट रिजर्व का फॉर्मूला पहले से तय है। आदिवासी कोटे के सीटों को संख्या के आधार पर सीट रिजर्व किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर देश में आदिवासियों के लिए 90 सीटें आवंटित की जाती है तो जिन 90 सीटों पर सबसे अधिक आदिवासी होंगे उसे उनके लिए रिजर्व करा दिया जाएगा। वही दलितों के लिए सीट रोटेशन के आधार पर रिजर्व किया जाता है। पहली बार दलित और आदिवासी सीटों पर भी 33% महिलाओं को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। यानी SC ST कोटे में महिलाओं के लिए भी सीटें रिजर्व करनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए दलित कोटे में अगर 120 सीटें आती है तो 40 सीटें दलित महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएगी। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि चुनाव के बाद जनगणना और फिर परिसीमन का काम कराया जाएगा। यानी जून 2024 में लोकसभा के चुनाव खत्म होंगे। इसके बाद अगर जनगणना का काम शुरू होता है तो उसमें कम से कम 1 साल का वक्त लग सकता है। जनगणना डेटा आने के बाद ही सरकार परिसीमन का काम शुरू कर सकती है। परिसीमन आयोग के गठन में भी वक्त लगता है।
आयोग के गठन के बाद पिछली बार परिसीमन आयोग ने 5 साल में अपना काम पूरा किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार में 3 से 5 साल का समय लग सकता है।